हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, VSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है, दल बदल विरोधी कानून, जिसे इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की थी, लेकिन दल बदल कानून जो है ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पारित किया गया था। अब ये हमारे इसको जो हम कहते हैं वो ये है कि ये गैर सरकारी विधेयक है और 10वीं अनुसूची में ये शामिल किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 52वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत जो कि भाई वो सदस्य इस दल के अयोग्यता के आधार हैं, उनका जो आधार है वो निम्नलिखित हम प्रावधानों की व्यवस्था बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से आधार हैं जिनके द्वारा दल बदल विरोधी कानून को लागू किया जा सकता है। जैसे यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपना स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। दूसरी बात आती है यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए किसी भी अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है। समझ रही है कि एक तो पहली बात तो कि वो निर्वाचित सदस्य है किसी पार्टी का और वह अपनी इच्छा से उस पार्टी को छोड़ देता है। दूसरी बात आती है कि यदि वो परमिशन नहीं लेता और अब दूसरे पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है, जिस पार्टी का मेंबर है उसकी बजाय दूसरी पार्टी के लिए, तो भी वह उसको छोड़ देता है। तीसरी बात आती है कि यदि उसे अयोग्य घोषित किया गया तो 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पार्टी या उसके पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर वोट डालना चाहे और उसको मना कर दिया जाए। चौथी बात आती है निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इस तरह से ये दल बदल विरोधी कानून था। 1985 के एक्ट के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, मतलब कि शामिल माना जाता था कि भाई एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा अगर अप्रूवल मिल जाती है तो वो विलय माना जाता था। लेकिन 91वें संशोधन अधिनियम 2003 ने इसे बदल दिया और दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए कि 2/3 सदस्य उस विलय के पक्ष में हो। जैसे कि भाई एक राजनीतिक दल अगर शामिल होना चाहता है दूसरे तो उस दूसरे राजनीतिक दल में, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा कि उसे 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि अयोग्य सदस्य उसी सदन की एक सीट के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो अयोग्य मान लिए गए हैं। अयोग्य की हमने परिभाषा आपको बता दी है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए उसे क्या होता है सदन के
सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि किस तरह से दल बदल विरोधी जो कानून है हमारा, वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें कि केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए एक गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव को पेश कर किया जाता है। और इसमें ये 10वीं 1985 के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये पारित किया गया, और यह निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करती है कि भाई कौन सदस्य अगर अपना दल छोड़ना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। मुख्य रूप से अब इससे क्या इफेक्ट हमारी राजनीति में आता है, वो ये होता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करना। मतलब इससे क्या होता है कि संसद या विधायक, जो भी MLA या MP हैं, पार्टी के निर्देशों का उनको पूर्ण रूप से पालन करना होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मुद्दे पर अपने निर्णय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमजोर होता है। अगर कोई सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसको वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं। तीसरी बात है कि एक निर्वाचित विधायक या सांसद की मुख्य भूमिका नीति, विधेयक, बिल और बजट की जांच करना और निर्णय लेना होता है। और इसके विपरीत क्या होता है कि सांसद किसी भी उसमें निर्णय लेने की बजाय क्या करता है कि वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो एक संख्या बन करके रह जाती है। वो वोट का समर्थन या विरोध करने के लिए एक संख्या बन करके रह जाती है, वो अपना स्वतंत्र प्रेजेंटेशन नहीं रख पाता है। नेक्स्ट आता है कि संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करना। संसदीय रूप में सरकार प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिदिन जवाबदेह होती है। उसे किसी भी समय लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन खो देने पर हटाया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून के चलते विधायकों को मुख्य रूप से राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह बनाकर जवाबदेही की इस श्रृंखला को तोड़ा गया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि दल बदल विरोधी कानून संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जहां संसदीय लोकतंत्र में हम उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, लेकिन इसमें जो MLA या MP हैं, उनको सिर्फ एक संख्या बल बढ़ रहा है, उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है ना? तो इस तरह से ये दल बदल विरोधी कानून जो है, वो उसका एक मेन मुद्दा ये है कि उससे संबंधित जो दल है उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है। इसमें एक चीज और आती है कि जो अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सांसदों की या MLA की अयोग्यता पर निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को रोकने की कोशिश की है कि स्पीकर जो होता है, सदन का स्पीकर जो होता है, 3 महीने में मामले का फैसला करना है। लेकिन संवैधानिक तौर पर तो यह है कि 3 महीने में फैसला करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर स्पीकर इस पर डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, इस बारे में कहीं भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। अगली बात आती है, इसमें एक और बात आती है कि 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2004 के कारण दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बना दिया है, क्योंकि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। मतलब कि इसमें चेंज नहीं माना जाएगा, वो उसमें विलय ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोगों को भी, कि ये संशोधन एक विधायक दल में विभाजन को मान्यता नहीं देता है, बल्कि ये एक विलय को मान्यता देता है। मतलब पूरा का पूरा जो दल है वो उसमें शामिल हो जाता है, ये उसको मान्यता देता है बजाय एक विधायक को दल बदल करने के। तो इस तरह से इसमें ये है कि जो ओवरऑल हमारे बात समझ में आपके आई होगी, वो ये आई होगी कि इससे क्या है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारी प्रावधान है संसदीय लोकतंत्र के, जो प्रावधान है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन जनता की इच्छाओं का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि
जनता ने उसको जो जब वो जिस पार्टी से खड़ा हुआ था उसको वोट दिया था, लेकिन वो अपने स्वार्थों की खातिर जब वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और यही इस की जो है वो कमी बताई हो सकती है। अब इसमें यह है कि कुछ परिवर्तन इसमें किए जा सकते हैं, जैसे कि जो इस तरह के चेंजेस हों वो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाने चाहिए, और जिनका कि ये है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर अपने निर्णय भेज दे। दूसरा ये माना जा सकता है कि यदि यदि किसी का पार्टी या पार्टी नेतृत्व के संबंध में कोई मतभेद है तो उसे इस्तीफा देने और लोगों का नया जनादेश प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो मैंने अभी बात कही कि निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदारी की जो आवश्यकता है, जिसके बूते पे मान लो आपका एक लोकल एमएलए है, आपने ये सोचा कि वो ए पार्टी से खड़ा है और हमारी उसमें उस पार्टी में भी पार्टी नेतृत्व में भी और उस एमएलए के प्रति भी हमारी जवाबदेह मतलब हम अपना समर्थन देते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को आहत करते हुए और वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरे दल की सदस्यता लेने की प्रयास करता है, तो इस तरह से हमारा जो प्रतिनिधियात्मक जो रवैया है उसको ठेस पहुंचती है, और हम ये मानने लग जाते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा था, जब वो हमारी प्रतिनिधित्व का उपहास उड़ाता है तो ये एक संसदात्मक लोकतंत्र के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है। तो इस तरह से इसमें ये है कि भाई या तो कोर्ट को सीधा डिसीजन लेने का राइट हो कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर वो डिसीजन दे दे, और यदि उसमें फिर दूसरी बात ये है कि उसको दूसरी पार्टी में तुरंत ना शामिल करके बल्कि सदस्यता देने के लिए उसको जनादेश प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से ये इसमें ये थोड़े बहुत चेंज की बात हम कर सकते हैं। फिर ये होता है कि जो एक और इसमें हम कह सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस इसमें लाए जा सकते हैं, जैसे कि इसके दायरों को सीमित करना होगा। जो आजकल क्या हो गया, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि अगर आपका किसी के साथ में नहीं, आपको संबंधित पद नहीं मिल रहा या कोई चीज़ नहीं, आपको आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही तो आप दूसरी पार्टी की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन इस पर रोक आनी चाहिए और इसका जो है सरकार को कड़ा डिसीजन लेना चाहिए, कानून इसमें सख्त होना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात हम कह सकते हैं कि निर्णायक शक्तियों से अधिक, जैसे कि सदन के अध्यक्ष का दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय लेने का जो शक्तियों के जो अधिकार है वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता है, जैसे कि उच्च न्यायपालिका या चुनाव आयोग जैसे को हस्तांतरित करने से, मतलब जैसा हमने इसके उपायों में बताया कि भाई इसको हम बजाय स्पीकर को देने की ये राइट कि भाई अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा, उसकी बजाय यदि हम इसको कोर्ट के माध्यम से ज़्यादा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कानूनों की बहुत अधिक आवश्यकता है, और इस तरह के कानून में राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिए, पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये है, और दूसरी बात यह है कि पार्टी में जो लोग हैं उनको अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, और पार्टी के से लोग क्यों अलग होना चाहते हैं, एक तो पार्टी में उनकी कहते हैं ना कि गैरत रहनी चाहिए, पार्टी के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, और उनको ये नहीं कि आपने अगर एक पार्टी छोड़ दी दूसरी पार्टी उनको तुरंत हैंड टू हैंड टेक ओवर कर ले या उसको सदस्यता उसको दे दे, बल्कि इसके लिए भी कुछ हार्ड डिसीजंस सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा लिए जाने चाहिए। तो इस तरह से हमने ये एक भारतीय राजनीति का एक मुद्दा था, दल बदल विरोधी कानून को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। आशा है वीडियो आपको बहुत लाभ करेगी और आपको एक करंट टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।